नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उस सवाल का सही सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। बिहार में जल्द खुलेगा नौकरी का पिटारा, इस विभाग में 10,000 पदों पर बहाली। जी हां, बिहार चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुद्दा अहम रहा। विपक्षी दलों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बिहार के युवाओं को नौकरी देने और रोजगार सृजन के वादे किए गए। आपको बता दें कि बिहार सरकार नए साल में बम्पर बहाली निकालने जा रही है। सरकारी विभागों में खाली पड़े हजारों पदों पर भरने की तैयारी की जा रही है। बिहार में नौकरियों को लेकर नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय ने बड़ा ऐलान किया है। रामसूरत राय ने कहा कि बिहार में राजस्व विभाग में 10,000 पदों पर सरकारी वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसकी प्रक्रिया नए साल में मार्च महीने तक पूरी हो जाएगी। बिहार के मोटापे से ग्रसित लोगों को अब सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा राज्य से बाहर। जी हां, मोटापा से ग्रसित लोगों के लिए खुशखबरी है। अब बेरियाट्रिक सर्जरी कराने उन्हें दिल्ली, इंदौर या अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। IGIMS में ही अब यह सर्जरी हो जाएगा। शनिवार से ही यहां इसकी शुरुआत हो गई है। गेस्ट्रो सर्जरी विभाग के डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक सर्जरी की है। डॉक्टर साकेत ने बताया कि इसके पेट के आकार को कम किया जाएगा, जिससे मरीज को भूख कम लगेगी और मोटापा बढ़ने वाले हार्मोन्स पर भी नियंत्रण होगा। IGIMS में सीतामढ़ी के 115 किलो के एक मरीज की सफलतापूर्वक सर्जरी की गई है। आपको बता दें कि IGIMS राज्य का पहला अस्पताल है जहां ये सर्जरी हो रही है। इससे पहले मोटापा के मरीजों को बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए दिल्ली, अहमदाबाद या इंदौर का रुख करना पड़ता था। देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार में बनकर तैयार, जानिए विस्तार से। जी हां, देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार में बनकर तैयार हो चुका है। इसे पर्यटकों के लिए कभी भी खोला जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज को बनाया गया है। राजगीर का नेचर सफारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। राजगीर नेचर सफारी में चीन के होंगझू प्रांत की तर्ज पर बना ये ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन नेचर सफारी को पूरा होने में अभी भी और वक्त लगेगा। शनिवार को प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंचे सूबे के CM नीतीश कुमार ने कहा कि मार्च 2021 तक यह पूरा हो जाएगा। इसके बाद नेचर सफारी का लुत्फ उठाने के लिए यहां पर पर्यटक आ सकेंगे। देश का पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना लक्ष्मण झूला है। राजगीर के नेचर सफारी 500 एकड़ में फैले बुर्दमार्ग के बीचों बीच बनी है। इस नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज के अलावा जू सफारी भी है। आप यहाँ पर रोपवे साइकिल भी कर पाएंगे। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में नए साल में बनेंगे 40 से अधिक नए शहरी निकाय। जी हां, बिहार में नए साल में शहरी निकायों की संख्या बढ़ जाएगी। शहरीकरण के मानकों में बदलाव कर राज्य सरकार इन निकायों के गठन का रास्ता पहले ही साफ कर चुकी है। ऐसे में जल्द 40 से 50 नए निकाय गठित हो सकते हैं। नए निकायों के बनने से राज्य में शहरीकरण की रफ्तार बढ़ेगी। नगर विकास आवास विभाग ने नए निकायों के लिए जिलों से प्रस्ताव मांगे थे, इन प्रस्तावों की जाँच की जा रही है। मानक पर खरे उतरने वाले प्रस्तावों को जल्द कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बिहार शहरीकरण के मामले में फिलहाल काफी पीछे है। यहां शहरीकरण का आंकड़ा महज 11% है, जबकि राष्ट्रीय औसत करीब 33% है। नए निकायों का गठन होने पर यह आंकड़ा 15% के करीब होने की उम्मीद है। राज्य में नियमों की पेच के चलते लंबे समय से शहरी निकायों का गठन नहीं हो पाया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में ग्रेजुएट के लिए SC आयोग की 2000 भर्ती, जाने IV भर्ती की खास बातें। जी हां, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड एग्जीक्यूटिव परीक्षा 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया है। SC आयोग की 2000 वैकेंसी निकाली गई है। इनमें 989 वैकेंसी अनारक्षित है, 113 WES, 417 OBC और 360 SC, 121 ST के लिए आरक्षित है। इच्छुक उम्मीदवार
अनुसार www.mha.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2021 तक है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन रखी गई है और आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में एससी एसटी वर्ग को 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। 1,60,00,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक। पूरे बिहार में 23 से 26 दिसंबर तक चलेगा अभियान। जी हां, बिहार में 1,60,00,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर जाकर बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने की तैयारी की जा रही है। विटामिन ए की खुराक 9 माह से 5 साल तक बच्चों को दी जाएगी। एक साल में विटामिन ए की खुराक बच्चों को 2 बार पिलाई जाती है। इस बार कोरोना महामारी के कारण यह खुराक दिए जाने में थोड़ी देरी हुई है। राज्य स्वास्थ्य समिति में कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर एनके सिन्हा ने बताया कि विटामिन ए की पूर्ति से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। विटामिन ए की खुराक पिलाने के लिए पूरे बिहार में 23 से 26 दिसंबर तक अभियान चलाया जाएगा। राजधानी पटना समेत बिहार में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट। जी हां, बिहार में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी पटना का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन शाम होते होते कनकनी बढ़ने लग जाती है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बिहार में अब पछुआ हवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सर्द पछुआ हवा की तापमान में ही गिरावट के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल अभी मौसम का मिजाज ऐसा ही बने रहने की संभावना है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में सबसे ठंडा गया जिला रहा, जहां गया का तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं भागलपुर में 8.6, पूर्णिया में 7.2, मुजफ्फरपुर में 7.5, छपरा में 8.9 और दरभंगा में 8 डिग्री दर्ज किया गया। आरसीपी सिंह होंगे नीतीश कुमार के उत्तराधिकार। नीतीश ने पार्टी के नेताओं को दे दिया संकेत। जी हां, जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कौन, इसका जवाब नीतीश ने खुद दे दिया है। अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि उनके बाद आरसीपी सिंह ही सब कुछ देखेंगे। ये बातचीत जेडीयू के इंटरनल बैठक की है। हालांकि अधिकृत तौर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल गुरुवार को नीतीश कुमार अपनी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे थे। वहां उनकी अपने समर्थकों के साथ काफी देर तक बैठक हुई। बैठक में मौजूद एक नेता ने बताया कि उसी दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि उनके बाद अब सब आरसीपी सिंह बाबू ही देखेंगे। यह पहला मौका था जब नीतीश कुमार ने यह संकेत दिया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। बिहार में लग्जरी ढाबा बनाने के लिए सरकार देगी 25 लाख रुपए। पर्यटन विभाग ने लिया बड़ा फैसला। नई पर्यटन नीति में टूरिस्ट सर्किट को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग तैयारी में जुटा है। पर्यटन विभाग टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए 4 लेन सड़कों के किनारे लग्जरी ढाबा बनाने की तैयारी में है। ऐसे ढाबा में रहने के लिए कमरे भी होंगे और उसमें सारी सुख सुविधाएं भी होंगी। सबसे बड़ी बात यह कि जमीन मालिक को ढाबे का निर्माण कर सकते हैं और सरकार इसके लिए 60% सब्सिडी देगी। पर्यटन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने सरकार की नई पर्यटन नीति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा तैयार की। नई नीति के तहत बिहार के जमीन मालिकों को सरकार 60% और बिहार के बाहर के जमीन मालिकों के लिए 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। बिहार में बाइक के लिए मनचाहा नंबर लेना हुआ सस्ता, ऑनलाइन करें अप्लाई। जी हां, राज्य में बाइक के लिए मनचाहा नंबर लेना अब सस्ता हो गया। अब फैंसी और मनपसंद नंबर लगाने रखने वाले को जेब ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने मनपसंद नंबर के आधार पर शुल्क में भारी कमी की है। महज 5,000 में आपको मनचाहा नंबर के लिए दावा किया जा सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब दोपहिया वाहनों में 01001001001212134 जैसे मनपसंद नंबर के लिए आधार शुल्क 20,000 रुपया कम लगेगा। पहले मनचाहा नंबर के लिए 35,000 रुपये देने थे, पर इसे घटाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। वहीं 01210123 0151 आदि मनपसंद नंबर के लिए पहले 16,000 रुपये देने पड़ते थे, जिसे घटाकर अब 10,000 रुपये कर दिया गया है।
1 जनवरी को नावों के परिचालन पर रहेगी रोक। पार्क और मंदिर समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर होगी विशेष निगरानी। यह राज्य में 1 जनवरी 2021 के अवसर पर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु दंड अधिकार कुमार रवि एवं वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। 1 जनवरी को लेकर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। अधिकारियों ने भीड़भाड़ वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर वाहनों की पार्किंग एवं यातायात की सुचारू व्यवस्था करने का निर्देश ट्रैफिक एसपी को दिया है। 31 दिसंबर 2020 के रात्रि से ही होटलों, क्लबों, मंदिर, पार्कों के आसपास और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है। वहीं सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में गंगा नदी एवं अन्य नदियों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोटर बोट नाव के परिचालन पर रोक लगाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष एवं प्रतिनियुक्त दंड अधिकारी को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। गंगा नदी में निजी नावों के परिचालन पर रोक लगाने हेतु एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बलों के द्वारा नदी गश्ती की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु अपर समाहर्ता आपदा को निर्देश दिया गया है। बिहार बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें आसानी से डाउनलोड। जी हां, बिहार बोर्ड इंटर वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2021 9 से 18 जनवरी 2021 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संचालित किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट का एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड 9 जनवरी 2021 तक अपलोड रहेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी शिक्षण संस्थान को कहा है कि प्रायोगिक विषय की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। समिति द्वारा उपलब्ध यूजर आईडी एवं पासवर्ड के आधार पर समिति की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ प्रचारात्री को दे। तेजस्वी यादव ने कहा, कृषि का भी निजीकरण करना चाहती है केंद्र सरकार, तानाशाही रवैया छोड़ किसानों के दर्द को समझे। बिहार विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कृषि का भी निजीकरण करना चाहती है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है, तानाशाही रवैया छोड़कर केंद्र को किसानों के दर्द को समझना चाहिए। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि देश में 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, अगर आप उन्हें सम्मान नहीं दीजिएगा तो ये क्या करेंगे और कहां जाएंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव शनिवार को रांची के रिम्स में इलाजरत अपने पिता लालू यादव से मुलाकात करने के लिए यहां पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि रेल बिक गया, बीएसएनएल, एलआईसी बिक गया, हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया, अब कृषि को भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसानों को उनके फसल का वाजिब दाम नहीं मिलेगा तो वे कहीं के नहीं रह जाएंगे, किसान कमजोर होते चले जाएंगे। पूर्व सीएम बोले, आरजेडी चाहे तो 80% अपराध कम हो जाए। जवाब मिला, सब काम तेजस्वी करेंगे क्या। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बिहार के सियासी गलियारियों में गर्म बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए राजद जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव पर इशारा करते हुए मांझी ने कहा कि वह जेल में बंद अपने नेताओं को समझा दे, सूबे में 80% से ज्यादा आपराधिक घटना यूं ही खत्म हो जाएगी। इस बयान के आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। मांझी को जदयू भाजपा का भरपूर साथ मिल रहा है तो राजद इस मामले में अलग थलग लगाते हुए नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहा है। इस पूरे प्रकरण पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, अपराध इनसे संभल नहीं रहा है और नीतीश कुमार से सरकार चल नहीं रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया, नीतीश कुमार इस्तीफा दे, सत्तारूढ़ दल सभी काम तेजस्वी यादव से कराना चाह रहा है, किसान, युवा, रोजगार सब कुछ तेजस्वी यादव देखेंगे तो नीतीश कुमार सरकार में क्यों है। और अंत की बड़ी खबर, बिहार में स्वस्थ आदमी को सबसे अंत में लगेगी वैक्सीन। जी हाँ, बिहार के स्वस्थ लोगों को वैक्सीन की डोज सबसे अंत में लगेगी। ऐसे लोगों के लिए नई गाइडलाइन तैयारी की जा रही है। पहले चरण में पटना के 20,000 हेल्थ वर्कों का खाका तैयार हो चुका है। अब दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कों की लिस्टिंग की जा रही है। तीसरे चरण में वृद्ध और बीमार लोगों का टीकाकरण होगा, जबकि चौथे चरण में स्वस्थ लोगों की बारी आएगी। बिहार में वैक्सीन आने के बाद आम लोगों तक इसकी रोज पहुंचने में कम से कम 30 दिनों का अंतर होगा। आज के लिए आपका सवाल, हमें बताएं कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।